सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सबकी जिम्मेदारी है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल औरन को शीतल करे आप हूं शीतल। एक कभी मत सोचो कि मैंने शरीर से अपराध नहीं किया, एक कभी मत सोचो कि मैंने शरीर से किसी को दुख नहीं पहुंचाया। आप ध्यान में रखिए, केवल एक जगह से पाप नहीं माना जाएगा, कर्म से भी तो माना जाएगा, वाणी से भी तो माना जाएगा। अगर वाणी से भी आप गलत बोल रहे हो, हर समय ऐसा ही बोलते हो कि किसी के मन को ठेस लगती है, ये भी अपराध है, ये भी पाप माना जाएगा। परसु वचन कबहू ना भूले, कभी ऐसी वाणी नहीं बोलना है जो किसी के मन को कष्ट पहुंचा रही हो, ये भी तो ध्यान देखना पड़ेगा। कई लोग शरीर से बड़े अच्छे हैं, आपने सुना होगा ऐसे बहुत लोग होते हैं, बोले हम बहुत साफ बोलते हैं साहब, किसी को बुरी लगे भरी लगे, अरे भाई ये भी तो पाप हो जाएगा ना। वही बोलें जो ठीक है उचित है, इसका ये मापदंड नहीं कि हम किसी से कुछ भी बोल दें, ये भी तो अपराध में आएगा। परसु वचन कबहू ना बोलें, ऐसा शब्द कभी वाणी से ना निकालें जो किसी के मन को कष्ट पहुंचा रहा है। वहां पर मौन होना विकल्प है, मौनेन कलहो नास्ति, हमें ठीक नहीं लग रहा, मौन हो गए, कहेंगे ही नहीं, लेकिन कहें तो ऐसा कहें कि किसी को कष्ट ना हो। सत्यम ब्रूयात, ये ठीक है, प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी ना कहें वो भी तो ठीक नहीं होगा, प्रिय सत्य कहें जिससे कि किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो ये बात भी चिंतन करने योग्य है। कई लोग बोलते रहते हैं, एक हमारे मिलने वाले हैं, उनकी आदत में है बात बाद में करते हैं, गाली पहले ही देते हैं, बिना गारी बात ही नहीं करते साहब, क्या आदत उनकी है। अच्छा एक दिन तो आश्चर्य देखो कि वो हमसे किसी ने कहा कि ये गाली बहुत देते हैं। अच्छा हमने बुला के पूछा, हमने कहा भाई साहब ये शिकायत है कि आप गाली बहुत देते हैं। बोले किस साले ने कहा, किसकी हिम्मत। तो हमने कहा जब हमारे ही सामने कह रहे हो। बोले गुरुजी अब क्षमा करो, इतनी हम पिताजी से भी कह देते हैं, हमारी आदत। अब बताओ ये कौन सी आदत है, मतलब आप अच्छे से बोलेंगे ही नहीं किसी को, कौन सी आदत है, ये आदत ठीक नहीं है साहब, ऐसी ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा किसी को कष्ट नहीं देना है। जीवन का मतलब ऐसा जीवन बनाओ जिससे किसी और को कष्ट ना हो।